रांची से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड में डेंगू का प्रकोप जारी है। कई जिलों में तेजी से फैल रहा है डेंगू। झारखंड में 785 तक पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। पूर्वी सिंहभूम में 492, साहिबगंज में 114, रांची में 156 डेंगू मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं 7356 लोगों की जाँच में 758 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो आप देखिए किस तरह से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और न केवल झारखंड में बल्कि बिहार में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखें और डेंगू से बचाव के लिए जो सावधानियां हैं उन्हें जरूर बरतें। तो वहीं इस पूरे मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनिए। निश्चित तौर पर ये बड़ा है, इसके लिए हम लोगों ने आज भी बैठक किया है, बातचीत किया है, और जगह जगह इसके उपाय हो रहे हैं। लार्वा मारने के भी उपाय हो रहे हैं, और जो लोग गंभीर रूप से बीमार हैं उनको कैसे हम स्वास्थ्य लाभ दें इसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो झारखंड में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और देखिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखा जा रहा है और हर संभव कोशिश जो है, जो प्रयास है, जो अब तक किए जा सकते हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए हैं। सूरज, झारखंड में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, क्या ताज़ा आंकड़ा कहता है, तमाम जानकारी आपसे चाहूंगी। झारखंड में डेंगू की जो मरीजों की संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा, और अब तक अगर हम बात करें पूरे झारखंड में तो 785 केसेस अब तक पहुंच चुके हैं, जिसमें सबसे अत्यधिक मरीज 492 जो पूर्वी सिंहभूम के जो इलाके हैं वहां पे पाए गए हैं। इसके अलावा साहिबगंज में 114 और रांची में 56, इसके अलावा सरायकेला में 40 डेंगू पीड़ित की पुष्टि हुई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जांच रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट में लगभग 7356 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 785 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग हालांकि इसे लेकर काफी गंभीर हो, छिड़काव हो या फिर तमाम जो अस्पताल है उसमें बेड को सुनिश्चित कर लिए गए हैं। राजधानी रांची के रिम्स हो या इधर हो, तमाम हॉस्पिटलों में बेड को सुनिश्चित कर लिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी इस तरह के कोई पीड़ित अगर आते हैं तो उन्हें सबसे पहले उपचार हो सके। इसके अलावा जितने भी टोले मोहल्ले हैं, गांव हैं, इन तमाम जगहों पर निगम के तरफ से छिड़काव भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संख्या है, पुष्टि की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूजा, बिल्कुल सूरज, और जिस तरह से लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से की गई है, क्या लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है अस्पतालों में? बिल्कुल पूरी तरह से इसमें स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है, लगातार तमाम व्यवस्थाएं किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सरकारी अस्पतालों में बेड को सुनिश्चित किया गया है, रांची के रिम्स में ऐसे कई बेड बनाए गए हैं जो सुरक्षित रखा गया, उसमें भी कई डेंगू का मरीज एडमिट है, लगातार डॉक्टरों का देखरेख में है। तमाम जो सदर अस्पताल है पूरे झारखंड के जिलों में, सदर अस्पताल में भी बेडों को सुनिश्चित किया गया है, वहां भी अगर जो मरीज अगर एडमिट है तो उसके लिए विशेष तौर पर इलाज ट्रीटमेंट डॉक्टरों के द्वारा से की जा रही है। ठीक है, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सूरज।